नमस्कार, मेरा नाम सीमा पांडे है और मैं कंपोजिट विद्यालय काकड़ा ब्लॉक मुरादनगर जिला गाजियाबाद से हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है MA BEd विशिष्ट BTC, और मुझे इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 14 वर्षों का अनुभव है। और मेरे विद्यालय के सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, और मेरे जिले में ये समस्या थी मेरे इस विद्यालय में कि बच्चे COVID-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हम लोग दे रहे थे, तो उसमें बहुत उनकी संख्या बहुत कम थी, और हम लोगों को ये हो रहा था कि इनकी संख्या कैसे बढ़े और इस समस्या को हम कैसे दूर करें। तो इसी बीच ZIITI का प्रशिक्षण श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया था, जो प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया। तो प्रशिक्षण में जो हम लोग के ट्रेनर थे, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, और इस प्रशिक्षण से हमें ये पता चला कि हम बच्चों को रुचिकर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कैसे दे सकते हैं। और इसमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप इन्होंने दिखाया हम लोगों को, तो उसके थ्रू हमने देखा कि इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें बच्चों को लगा के उनको अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। एक एक टॉपिक पे उन्होंने तरह तरह के गतिविधियाँ दे रखी हैं, TLM चार्ट और ग्रिड गेम, इनके तरह तरह के कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट मैपिंग का एक है, तो उससे अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, और बच्चे भी इसको सीखने में बहुत रुचि लेते हैं। तो हम लोग ने इसको ट्राई किया तो उसके अच्छे रिजल्ट आने लगे, और बच्चों की भी संख्या ऑनलाइन क्लासेस में बढ़ने लगी है। तो इससे मुझे भी ये बड़ा फायदा हुआ कि हम मेरे अंदर जो क्रिएटिव आइडियाज आ रहे थे उनको हम इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा पा रहे थे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इस ZIITI के प्रशिक्षण से हमें बहुत फायदा मिला, और हमारा स्कूल अब एक क्रिएटिव वे में हर चीजें सीख रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा विद्यालय एक गाजियाबाद का रोल मॉडल स्कूल के रूप में इसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। बच्चे बहुत क्रिएटिव ढंग से सीख रहे हैं, और इनोवेटिव पाठशाला से हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं। और इसके लिए मैं ZIITI और अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया, और इससे सभी बच्चे भी बड़े लाभान्वित हुए।